और उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अच्छी लाइफ चल रही होगी। अगर नहीं चल रही तो इंशाल्लाह और उम्मीद रखनी चाहिए अच्छी हो जाएगी। तो आज हम बात करेंगे कि भाई जो हर बच्चा सुनता है कि मैट्रिक कर लो फिर मज़े ही मज़े हैं, तो भाई मज़े किधर हैं? थक गया, मुझे मजे नहीं नजर आ रहे मैट्रिक के बाद। तो इसी तरह आप लोगों में से काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको मजे अभी तक नहीं नजर आ रहे होंगे। तो सच्ची बात यही है कि मजे नहीं है बिल्कुल, तो ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, उल्टा जिंदगी मजे लेती है हमारे। तो जो बात मैंने कहनी है वो ये कहनी है कि हमारे जो मैट्रिक के बाद जब हमारा इंटरव्यू हो जाता है, तो उसके बाद जब बच्चा होता है तो उसको प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत है। और वो क्यों है वो मैं इसलिए बताता हूँ। देखिए अक्सर ऐसा होता है ना, हमारे ख़ानदान में से कोई एक बंदा आता है, वो कहता है यार ये कर रहे हो, नहीं ये नहीं यार ये कर लो तुम तो। या हमारे फैमिली में भी ऐसा होता है कि अगर फ़र्ज़ करे कोई बोलता है कि उसको मीडिया साइंस करना है, तो बोलते हैं यार मीडिया साइंस क्यों करना है यार, तुम BBA कर लो या तुम कुछ ऐसा कर लो। तो मतलब अपनी राय सब देने आ जाते हैं, पर उससे नहीं पूछ रहे होते जिसको एक्चुअल करना है, कि उससे नहीं पूछ रहे हैं तुमने क्या करना है, तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है, उसको छोड़ के अपनी सब बस फोर्स कर रहे होते हैं, जो हम कह रहे हैं ना वो कर लो। तो ये नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए इसी पे आज मैं बात करूँगा। ये इसलिए नहीं करना चाहिए, देखें पहली बात ये, और पहली बात ये कि ये वीडियो आप में से अगर कोई ऐसा बंदा हो ना जिसको कोई कुछ कह रहा हो तो उसको आप ज़रूर दिखा दीजिए ताकि वो भी समझ जाए। खैर अब आते हैं पॉइंट पे। पॉइंट ये है कि भाई फ़र्ज़ करें कि अगर मैंने यूनिवर्सिटी जाने है, जाहिर सी बात है, और जो मेरी फील्ड है वो मुझे पता है कि मैंने क्या लेनी है, किस में मेरा इंटरेस्ट है। तो हमारे यहाँ सीन ये होता है कि यार जो लोग फोर्स करते हैं ना तुम ये नहीं ये करो, तो ये इसलिए ख़राब होता है कि देखिए आपने तो नहीं गुजारने अगले 5 साल, उस बच्चे ने गुजारने ना जिसको आप बोल रहे हो। तो फ़र्ज़ करें वो कर ही नहीं सकता है एक चीज़, और आपके लिए वो चीज़ आसान हो, पर जाहिर है सबका दिमाग अलग अलग होता है, आपके लिए वो चीज़ आसान है क्या पता उसके लिए वो चीज़ मुश्किल हो। आपने आसानी के चक्कर में उसके 5 साल जो है वो ऐसे ज़ाया करवाए कि वो रोए जा रहा है बस छुप छुप के। तो इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए हर बंदे का माइंड अलग होता है। जो अगर कोई चीज़ किसी बंदे को आसान लग रही है तो किसी के लिए वो मुश्किल होती है, और कोई चीज़ शायद आपके लिए मुश्किल हो पर उस बंदे के लिए आसान हो, क्योंकि भाई उसका दिमाग, हर बंदे का दिमाग अलग अलग होता है। तो काउंसलिंग की प्रॉपर इसलिए ज़रूरत है, सबसे पहले तो ये कि उनको नॉलेज दी जाए कि यार इस फील्ड का ये फ़ायदा है, इसके ये हैं, उसको पूरे बच्चे को हर चीज़ बता दें, कि हर जो फील्ड कोई लेता भी ना हो ना उसके बारे में भी उसको चीज़ समझाएं कि भाई अगर ये लोगे तो इसका ये फ़ायदा होता है, इसमें ये होता है, इसमें वो होता है। उसके बाद उसको फैसला करने देंगे भाई उसने क्या करना है। अगर इन केस कुछ होते ना कि यार गलत जा रहे होते, जब बच्चा गलत जा रहा है तब भी उस पर फोर्स नहीं करें, क्योंकि आप फोर्स करा के आप तो उसको करवा देंगे, पर आगे 5 साल काफ़ी लंबा टाइम होता है, और वो इसमें अगर नहीं कवर कर पाता या उसका दिल ही नहीं लगता उस पढ़ाई के अंदर, तो उसको पढ़ने का फ़ायदा भी नहीं है। और अल्लाह ना करे वो फेल वेल हो गया तो भाई फिर तो गए ना। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का तो आपको पता है कि माशाल्लाह पैसे इतने हैं कि आप 5 साल बाद अपनी गाड़ी ले लें। तो प्राइवेट जाहिर है, तो ये चीज़ प्राइवेट में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, बनिस्बत गवर्नमेंट में तो फीस वीस कम होती है, पर बात आती है पैसों की तो आ जाते हैं और चले भी जाते हैं, पैसों की तो खैर होती है, पर असल बात ये होती है कि एक ज़िंदगी जो है उसका अगले 5 साल बहुत कीमती होते हैं, तो उसको सही तरीके से वो 5 साल यूटिलाइज होने चाहिए ना भाई। ऐसे थोड़ी है कि 5 मिनट में वापस थोड़ी आ जाएंगे 5 साल। तो प्लीज़, जो मैं अपने दोस्तों का भी हाल देख रहा हूँ कि उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार या उनके कोई ऐसे दोस्त मर रहा है जो उनको बोल रहे हैं भाई ये कर लो, नहीं तुमने यही करना है, तो प्लीज़ इस तरीके से ना करें, प्रॉपर काउंसलिंग करें उन लोगों की जिनको इसका नहीं पता। क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चा 9 मैट्रिक में होता है तो उसको थोड़ी पता है कि आगे सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर है, फिर स्टेप बाय स्टेप वो भी आगे जा रहे हैं ना, जाहिर है। तो आपने जिन लोगों ने ज़िंदगी गुजार ली है, जो लोगों के पास अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है, तो वो उसकी काउंसलिंग करें, उसको पूरा A to Z बता देंगे भाई ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। ये चीज़ प्लीज़ रखें और ये इस चीज़ को आम किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ ये चीज़ आज तक अभी तक तो नहीं हुई, मैं बहुत कम ही लोग देखता हूँ, पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी सीन नहीं है। मैंने जो सोचा है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सब खुश हैं और मैं भी खुश हूँ, और इंशाल्लाह उसी को हम आगे लेके चलेंगे। तो आज की वीडियो जो है वो बस ये छोटी सी है, समझाना था मैंने कि आस पड़ोस वालों को आप लोग भी समझें और ख़ुद भी समझें पहले सब चीज़ों को, और उसके बाद सोच समझ के चिल माइंड करके फिर फैसला करें। तो फिर मैं जल्द हाजिर हूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़। बात है यार, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, बहुत गुड हो गया, गुड हो गया यार, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।
यार बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, गुड हो गया। मेरी सारे भाइयों से गुजारिश है इन भाई को लाइक और फॉलो लाजमी करें, और भाई जी नारे का जवाब दें, पाकिस्तान जिंदाबाद।